Created with free version for non-commercial use. वेलकम टू देसी हेल्थ टीवी। दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट में रंग गोरा करने का बहुत ही जबरदस्त आज आपकी खिदमत में टोटका लेकर आया हूं। जवान लड़के और जवान लड़कियों के लिए बहुत ही कमाल का ये नुस्खा है। दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते वक्त जिन लड़कियों और लड़कों के रंगत, हाथ पांव की रंगत और फेस गर्दन की रंगत में बहुत ही बेपनाह मुतासिर हो जाती है सूरज की वजह से, ठीक है दोस्तों, इसको दोबारा अपनी चेहरे की रंगत को बहाल करने के लिए ये नुस्खा है। यानी कि अगर आप धूप में आना जाना है बार बार आपका, कॉलेज यूनिवर्सिटी आते जाते आपकी फेयरनेस बहुत ज्यादा डल हो गई है, तो दोस्तों ये टोटका बस कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आकर लगा लें या कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाने से पहले आप लगा कर चले जाएं कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको धूप की जो कशिश होती है, धूप की जो तेजगी होती है, उससे ये बचाएगा और आपकी स्किन को तरोताजा रखेगा। दोस्तों, बहुत ही कमाल का नुस्खा, सिर्फ 15 मिनट में खुद को भी आप ना पहचान पाओगे, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दोस्तों खीरे का जूस। खीरे का रस आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ग्राइंडर करके फिर उसको छननी की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक आप ग्राइंड करें उसको, फिर आप छननी की मदद से आप उसका पानी निकाल लें। और दूसरा तरीका यह है कि खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके एक जालीदार कपड़े में रखकर निचोड़ें तो पानी आपका निकल आएगा खीरे का। दोस्तों, आपने खीरे का जो पानी है वो आपने लेना है तकरीबन 5 से 6 चम्मच, ठीक है। अब इस खीरे के पानी के अंदर आपने ऐड करना है एग वाइटनिंग, ठीक है, यानी कि अंडे की जो सफेदी होती है वो आपने ऐड करनी है पूरे एक अंडे की, ठीक है। एक अंडे पूरे की सफेदी आप ऐड कर लें, जर्दी निकाल लें, ठीक है। अब इसके साथ आप ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर यानी के बेसन, ठीक है। बेसन आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच या 2 चम्मच बहुत है, ठीक है, ऐड करिए। और लास्ट में ऐड करेंगे आप दूध, ठीक है। दूध आप हस्ब जरूरत ऐड करें, दूध इतना ऐड करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, ठीक है। दूध ऐड करते रहें या फिर थोड़ा सा क्यूकम्बर वाटर यानी खीरे का पानी ऐड करते जाएं। आपने इसको बारीक जो है वो लेप बनाना है, लेप की शक्ल देना है इसको, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। अब आप इन तमाम अशिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर बेसन की वजह से थोड़ा सा सूखापन आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा दूध या थोड़ा थोड़ा खीरे का पानी डालते जाएं। पानी आपने हरगिज़ ऐड नहीं करना, बस खीरे का पानी आपने ऐड करना है, खीरे का जूस और या फिर दूध ऐड करना है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर आप इसको महफूज कर लें। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा जितना होगा वो आपको उतना ज्यादा असर दिखाएगा। बेशक आप बनाकर रख दीजिए, जब आप सुबह उठेंगे, ठीक है, तो नाश्ता कर लेने के बाद या नाश्ते से ही पहले अपने फेस को इसी तरह वॉश करके आप ये पेस्ट अपने चेहरे पर लगाएं और इसको सूखने के लिए छोड़ दें, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप इसको वॉश करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप वापसी पर भी ये अमल दोहरा सकते हैं, ठीक है। आप वापस कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आकर खाना खाने से पहले आप इसको लगा लीजिए और खाना खा कर बाद में आप इसको धो लीजिए। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें या 1 बार इस्तेमाल करें, लेकिन हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 4 बार इस पेस्ट को इस्तेमाल करें और सूखने के बाद वॉश कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी रंगत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें डला हुआ है खीरे का रस और बेसन डला हुआ है। बेसन चूंकि आपके चेहरे की जिल्द जो है उसको बिल्कुल तरोताजा और लेवल कर देता है, यानी आपके चेहरे में अगर झुर्रियां हैं तो वो झुर्रियां खत्म कर देता है, आपका चेहरा अकड़ा अकड़ा और ग्लोइंग वाला दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की टिप। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और
हमारे इन वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर भी लाजमी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली एक टॉपिक में, बहुत ही मजे का टॉपिक अगला, हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन-कमर्शियल यूज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूँ तो सहर कर, इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। पता मुझको उसकी सजा है, तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस जमाने को अपना बनाया, तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच